हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 17 अगस्त से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी को मालूम है कि कल के करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज के इस वीडियो में हम 16 और 17 अगस्त इन दोनों ही दिनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आज ज्यादा है, हालांकि इतना आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले जो क्लास हुई थी 15 अगस्त को, ये भी मैंने नहीं ली थी, आकांक्षा मैम ने आप लोगों के लिए ये क्लास ली थी, जिसकी रिवीजन स्लाइड तो मैंने मेंशन की है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब रिवीजन वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। हालांकि इसकी जो क्विज है ये आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जा चुकी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो पी हरीश हैं, ये यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले अम्बेसडर यानी कि राजदूत बन गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है रुचिरा कंबोज का। रुचिरा कंबोज जो कि अब से लगभग 2 महीने पहले यानी कि जून के महीने में ही ये रिटायर हो चुकी थी, सेवानिवृत्त हो चुकी थी। तो अभी हाल ही में पी हरीश जो डिप्लोमेट है, पूरा नाम है पावर्थ नेनी हरीश, इन्हें 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में, जहां पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, यहां भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की यदि बात करूं मैं तो 24 अक्टूबर 1945 फॉर्मेशन ईयर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये हो जाएंगे वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसने इस वित्तीय वर्ष भारत की जो ग्रोथ रेट है 2024 और 25 के लिए, ये फोरकास्ट की है 6.9%। हालांकि आईएमएफ ने ये 7% फोरकास्ट की है और वर्ल्ड बैंक ने 6.6% फोरकास्ट की है। यूनाइटेड नेशंस में कुल 193 मेंबर कंट्री है और जो 193rd मेंबर कंट्री इसका साउथ सूडान है, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो डेफिनेटली भारत इसका मेंबर हो जाएगा। 24 अक्टूबर इसका फॉर्मेशन ईयर है, इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं ब्रजेंद्र नवनीत की, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन अब ये बदल चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेंथियल पांडियन की नियुक्ति की गई है, तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा हो चुका है कि जब मैंने करंट अफेयर की क्लास में ब्रेक लिया हो। अच्छा, एक और बात, कल के करंट अफेयर की क्लास मैंने नहीं ली थी और मुझे ऐसा लगता है ये 1 साल पहले की बात होगी जब कभी करंट अफेयर में मैंने एक दिन भी गैप किया होगा। हालांकि कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि मैं क्लास नहीं ले पाती, तो डेफिनेटली आपको मालूम है कि मैं आकांक्षा मैम को कंटेंट प्रोवाइड करा देती हूँ, कम से कम आपको रिकॉर्डिंग आकांक्षा मैम के थ्रू ही मिल तो जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार मतलब मुझे खुद भी याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने करंट अफेयर में ब्रेक कब लिया था। ऐसा पहली बार हुआ है कि 16 अगस्त को मैं करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाई थी। और भाई साहब, आप लोगों ने जो मेल भेज भेज कर जो हाल किए हैं ना, मैम की शादी हो गई, मैम निपट गई, ऐसा वैसा, भाई ऐसा नहीं है, कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण कल ब्रेक लेना पड़ा था हमें। हालांकि उस लॉस को मैं आज कवर कर रही हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा करके। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जब आपको करंट अफेयर की क्लास ना मिले, यदि नहीं मिलती है, यदि उसका कोई रीजन होता है, तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? रिसेंटली यदि देखा जाए तो भारत में जो नए रामसर स्थल अभी घोषित हुए हैं, इनकी संख्या है 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि भारत ने रामसर साइट नेटवर्क में 3 और साइटें ये शामिल कर दी है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या ये बढ़कर के हो गई है 85। जो नए शामिल हुए हैं, चलिए उनमें यदि हम देखें तो तमिलनाडु में जो नंजरा नयन पक्षी अभयारण्य है और काजू वेली पक्षी अभयारण्य है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में ऐड किया गया है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं रामसर स्थल की, ये क्या होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। 1971 यानी कि 1971 में ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर।
यहां पर जलवायु, माफ कीजिएगा, आर्द्र भूमि को संरक्षित किए जाने को लेकर के एक समझौता हुआ था जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमि क्या होती है? जल और थल के बीच का दलदला क्षेत्र जो कि जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इन्हें संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अभी तक पिछले साल तक हम पढ़ते थे कि देश में रामसर स्थलों की संख्या ये है 80, 2024 में ही ये बढ़ करके हुई 82, और अब अपडेटेड यानी कि आज तारीख है 17 अगस्त, 17 अगस्त 2024 तक का अपडेटेड कंटेंट है कि देश में 3 नए और रामसर स्थल ऐड होने के बाद ये संख्या 85 पहुंच गई है। हालांकि इस साल ये 82 हुई थी तो बिहार के ही नागानकटी पक्षी अभयारण्य को इसमें शामिल किया गया था, तब 82 हुई थी। अब 3 और कौन ऐड हुई है, किस राज्य से ऐड हुई है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यदि मैं बात करूं कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, ओके देखिए, भारत का जो पहला रामसर स्थल था, एक तो था उड़ीसा का चिल्का लेक, भारत में खारे पानी की लेक है आपको मालूम है, और इसके अलावा राजस्थान का जो केवला देव नेशनल पार्क है, ये दोनों का नाम आप ऐड करेंगे। अच्छा, आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने को लेकर के एक दिवस भी मनाया जाता है, ये कौन सा दिवस है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये कब मनाया जाता है? यहां से मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ, वेटलैंड डे ये फरवरी महीने की 2 तारीख को मनाया जाता है, और इस बार 2024 की जो थीम रही है ये रही है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो मॉर्ने मॉर्कन है, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं, मॉर्ने मॉर्कल, इन्हें भी हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में भी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। हालांकि जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इसमें जो पुरुषों की टीम है, मतलब कि मेंस क्रिकेट टीम में एज अ कोच गौतम गंभीर को चुना गया है, क्योंकि इनसे पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। लॉकी फर्गुसन की यदि मैं बात करूं, ये तो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, इनका कौन सा करंट अफेयर हाल ही के दिनों में हमने पढ़ा है? देखिए, अभी जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ये 4 मैडन ओवर खेलने वाले खिलाड़ी बने थे, मतलब कि 4 मैडन ओवर कहने का मतलब है कि 4 ओवर इन्होंने जो डाले उसमें कोई भी रन नहीं बनाया गया था, और ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बने थे, दुनिया के दूसरे खिलाड़ी। पहले कौन थे? कनाडा के साद बिन जफर। जो रूट, इनकी कंट्री कौन सी हो जाएगी? इंग्लैंड, और साउथ अफ्रीका से हो जाएंगे मॉर्ने मार्कल। अगला सवाल है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? ये क्वेश्चन आप इवेंट एंड समिट वाले टॉपिक में ऐड करिए। तो इस साल भारत है जो कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, और इस बार की थीम है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, यानी कि इस बार की थीम है स्ट्रॉन्ग ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके पहले जो 2 एडिशन हुए थे वो भी वर्चुअली आयोजित किए गए थे, और तीसरा सम्मेलन भी इसका वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है, होस्ट कौन कर रहा है? भारत। फ्रांस की यदि मैं बात करूं तो इस साल इसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक 2024 की मेजबानी करी है, और आपको मालूम है इसमें पदक तालिका में जो कंट्री रही है अमेरिका, चाइना और जापान, ये रही है टॉप 3। भारत इसमें रहा है 71 प्लेस पर, 71वें स्थान पर। इटली की यदि मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक होगा 2026 में ये होस्ट करेगा, लेकिन इस साल इसने G7 समिट की मेजबानी करी है। अमेरिका का जो वॉशिंगटन है, यहाँ पर अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन का। नाटो में शामिल कुल मेंबर कंट्री 32 है, 32वां स्वीडन है, भारत इसमें शामिल नहीं है। सवाल नंबर है पांचवा,
किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो अभी तक कौन थे? अजय भल्ला थे, और अजय भल्ला का अब स्थान लेने जा रहे हैं गोविंद मोहन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में जो नियुक्ति थी इसे मंजूरी दी है। तो अब ये अजय भल्ला के स्थान पर 22 अगस्त से गृह सचिव के रूप में पदभार संभालने जा रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैंने मेंशन कर रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे, खास तौर पर इंग्लिश माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं, कि क्या आपको हर क्वेश्चन की डिटेल्स इंग्लिश में भी चाहिए या हिंदी मेजोरिटी ज्यादा है, उस हिसाब से कल के कॉन्टेंट पर हम काम कर लेंगे। सचिव यानी कि सेक्रेटरी की बात की ही जा रही है, तो टीवी सोमनाथन ये भी हाल ही में हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। गिरधर अरमाने ये हमारे डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि हमारे एट प्रेजेंट रक्षा सचिव हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई व्हीकल नीति 2024 को लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है राजधानी दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी दिल्ली ने 2024 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया है। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में ई व्हीकल्स को इनकरेज किया जाएगा और इसके लिए कई उपाय भी शामिल किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से ई व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी, जो भी ई व्हीकल खरीदना चाहते हैं इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कराया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार यानी कि जगह जगह इसके चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, और पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, ये सभी इसमें शामिल है। इस नीति का उद्देश्य है राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना और ईंधन की लागत को घटाना है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ई व्हीकल निर्माताओं और खरीदारों के लिए विभिन्न रियायतें और छूट भी प्रदान की है, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए ई व्हीकल के लिए, और इसे एक अच्छा ऑप्शन भी बताया गया है। वायु प्रदूषण को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगी। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूँ, तो देश का पहला जो जल विश्वविद्यालय है यानी कि पहली वाटर यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बनने जा रही है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया है। महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूं, तो हाल ही में इसने लाडला भाई स्कीम इसकी शुरुआत की थी। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान जो कि लेकर के आई है राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि चर्चे में थी। सवाल नंबर सातवां है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सेंट द फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट टू द मून? यह भी हाल ही में पड़ोसी चाइना के द्वारा भेजा गया है। ये जो यान है चंद्रमा की सतह यानी कि सरफेस पर लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य ये चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रयोगों को और अध्ययन को करना है। इस मिशन के माध्यम से चाइना ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है, और यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान से चाइना को चंद्रमा की सतह की संरचना, खनिजों यानी कि मिनरल्स और अन्य तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव को भेजने की जो योजना है इसके लिए मददगार साबित होगी। चाइना भारत का पड़ोसी मैक मोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है। बीजिंग इसकी कैपिटल है। रेनमिनबी करेंसी सी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। एक्सरसाइज भारत चाइना के बीच हैंड इन हैंड है। एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगशी यहीं से प्रवाहित होती है। दिसंबर 2024 में इसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया था। सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला इसी ने बनाई है, और दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जूके 2 भी इसी ने लॉन्च किया है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका की हो जाएगी नासा। रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा रॉस कॉसमॉस। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर आठवां है, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? तो कर्नाटक की राजधानी जो कि है बैंगलोर, इसे अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत बैंगलोर में स्मार्ट सिटी के मानकों को लागू करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसमें सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक डेटाओं के डिजिटलीकरण जैसी पहल इसमें शामिल की गई है। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य बैंगलोर को एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न, सुलभ और कुशल शहर बनाना है, जहां नागरिकों को बेहतर फैसिलिटीज और सर्विसेज मिल सके। इसके अलावा इस योजना से बैंगलोर की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है, केम्प घोड़ा ने इस शहर को बसाया था। अच्छा, कुछ याद आना चाहिए आपको। मैंने कहा कैम्प घोड़ा ने इस शहर को बसाया था, तो केम्प घोड़ा की ही प्रतिमा है
स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, या हिंदी में आप इसे कह सकते हैं समृद्धि की प्रतिमा, ये इसी बैंगलोर में स्थापित की गई है। ट्रैफिक इंडेक्स जो 2024 में रिलीज किया गया था, 2023-24 का, इसमें टॉप पर तो रखा गया था लंदन को, भारत का जो शहर बैंगलोर उसमें 6वें स्थान पर रहा था। पूछा जाए देश की पहली सोलर सिटी तो ये हो जाएगी सांची। देश का यदि पूछा जाए पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी तो आंसर होगा राजस्थान का कोटा। पहला कौन सा था? भूटान की कैपिटल थिम्पू, दुनिया की पहली है, और दुनिया की दूसरी कोटा हो जाएगी। मैं फिर से कहती हूँ, दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है भूटान की कैपिटल थिम्पू, दूसरे स्थान पर है कोटा, लेकिन भारत की तरफ से पहला कोटा ही आप शामिल करेंगे। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है उदयपुर, राजस्थान। सवाल नंबर 9वां है, हाल ही में किस किस मिसाइल जनक जिनका नाम था R.N. अग्रवाल, इनका रिसेंटली निधन हुआ, तो इन्होंने जिस मिसाइल को डेवलप किया था इसका नाम था अग्नि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि मिसाइल के जनक और पद्म भूषण से सम्मानित ये रहे हैं R.N. अग्रवाल। इनका मतलब एज भी हो गई थी जिसके कारण कई रोग से ग्रसित थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। राम नारायण अग्रवाल इनका पूरा नाम है, एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्हें सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला में इनके द्वारा दिए गए अहम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। पद्मश्री इससे सम्मानित है 1990 में, पद्म भूषण से 2000 में। डॉक्टर बीरेन राय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार 1990 में इन्हें मिल चुका है। देखिए एडिशनल जानकारी मैं आपको बता दूं, भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिन 5 मिसाइलों का निर्माण होना था, जिसकी ट्रिक है पटना। पटना में 5 मिसाइलें कौन कौन सी शामिल है? P4 पृथ्वी, A4 आकाश, या फिर अग्नि भी कह सकते हैं, आकाश मैं लास्ट में लिख दूंगी, यहां पर स्पेस है, अग्नि। T4 इसमें हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा नाग, और A से इसमें आकाश को आप शामिल कर सकते हैं। तो जो R.N. अग्रवाल थे ये अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जम्मू कश्मीर के नए DGP के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो ननल प्रभात है, जिनका नाम आप पढ़ रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख है, ये भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के DGP के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि 1 अक्टूबर से ये अपना पदभार संभालेंगे, और किनका स्थान लेने जा रहे हैं? R.R. स्वैन का। नलिन प्रभात जो कि 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं, और इसके पहले ये CRPF और NSG में तो अभी एक्टिव है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में सेवा दे चुके हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये एट प्रेजेंट इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे। दलजीत सिंह चौधरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। अनीश दयाल सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हो जाएंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? इतना आपको मैंने पढ़ा रखा है कि 5 से 10 अगस्त तक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये 3 देश के दौरे पर थी, फिजी, ईस्ट तिमोर और न्यूजीलैंड, जहां पर न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में मतलब एक सम्मेलन होस्ट किया था। तो न्यूजीलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया, और न्यूजीलैंड में जो शिक्षा प्रणाली है, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, इसकी समावेशिता और यहाँ जो इनोवेशन है यानी कि इसके नवाचार की इन्होंने प्रशंसा की है। इस वर्ष भारत को इस सम्मेलन में सम्मानित अतिथि भी चुना गया। न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन कैपिटल वेलिंगटन ऑसिनेशिया महाद्वीप में आता है, करेंसी डॉलर है। क्रिस्टोफर लक्सन एट प्रेजेंट यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। यदि मैं बात करूँ फिजी और ईस्ट तिमोर की, तो इन दोनों देशों ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया। हालांकि कुछ समय पहले ये मॉरिशस के दौरे पर थी, वहां भी सम्मानित हुई। अगला सवाल है, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये भी हाल ही में अगस्त महीने की 14 तारीख को मनाया गया है, 14th of अगस्त को, पार्टीशन ऑरर्स मेमोरियल डे। इसी दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1947 में भारत के पार्टीशन यानी कि विभाजन के दौरान विस्थापन का दर्द झेला, और यह दिन उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। द डे रिमाइंड्स ऑफ देयर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस। 6 अगस्त की यदि मैं बात करूं, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी डे, क्योंकि इन्हीं दो शहरों पर जो कि जापान के शहर थे, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम से हमला किया गया था। इन परमाणु बम का नाम मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। सवाल नंबर 13वें की तरफ चलते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सिंह मराक का निधन हुआ? तो ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका रिसेंटली
निधन हो गया है 82 वर्ष की आयु में। हालांकि बुढ़ापे से ग्रसित थे और कई डिजीज इन्हें थी, जिसके कारण अभी हाल ही में सिविल हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। 1993 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने और 1998 में 12 दिनों के लिए मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए जाने जाते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। मेघालय की कैपिटल शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल सीएच विजय शंकर एट प्रेजेंट हो जाएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा और समर्थन प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से महिलाएं विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि जो भी हेल्थ टेस्ट हो सकता है, चिकित्सा उपचार और हेल्थ फैसिलिटीज का लाभ उठा सकेंगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल को इनकरेज करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए समय पर उपचार प्रदान कराना है। ये योजना विशेष रूप से जो रूरल एरियाज में महिलाएं रहती हैं, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा। शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने, तो हिमाचल प्रदेश जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी हो जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। ये भारत का राज्य बना था 1971 में। देखिए, हिमाचल प्रदेश से दो महत्वपूर्ण लेक आप याद रखें, सूरज ताल और चंद्र ताल। ई परिवहन और ई कैबिनेट पॉलिसी लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य भी है। हिमाचल प्रदेश से करंट का फैक्ट मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आप बता पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैंने कहा ई परिवहन और ई कैबिनेट पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य, वैसे ही कोई पॉलिसी लेकर के आया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। इस पॉलिसी का नाम क्या है, जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर देखते हैं उन्हें मालूम होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑपरेशन बम्बी बकेट की शुरुआत ये कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में की गई थी, जब यहाँ जंगलों में आग लगी हुई थी। कर्नाटक जो है ये मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य है। गुजरात की यदि मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की जो दो यूनिवर्सिटीज हैं अपना ब्रांच ओपन कर रही है गिफ्ट सिटी गुजरात में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में। 15वें नंबर का सवाल है, किस महाद्वीप में एम पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? इन विच कॉन्टिनेंट एम पॉक्स हैज बिन डिक्लेयर्ड एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी? तो ये घोषित किया गया है अफ्रीका महाद्वीप में। देश नहीं पूछा जा रहा है, महाद्वीप पूछा जा रहा है। अफ्रीका में एम पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है। ये बीमारी निकट संपर्क से फैलती है। इसके लक्षण ये त्वचा पर चकते, फ्लू जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके प्रकोप से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। काफी लंबे समय बाद मैंने मैप ऐड किया है, मैप इनकी प्रॉपर जो वर्ल्ड मैप होता है। तो चलिए, आप लोगों के लिए जल्द जल्द ही मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लाऊंगी। देखिए, अभी ऐसा है कि किसी कारण से मुझे दूसरे कंपनी के साथ एसोसिएट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सब कुछ आपको मेरे ही चैनल, मेरे ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा और इसकी घोषणा मैं जल्द ही करूंगी, ठीक है? तो अफ्रीका महाद्वीप को यदि हम मैप के थ्रू देखें तो इतना आप सभी को मालूम है कि एशिया महाद्वीप ये एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर आप पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप जिसे आप अंध महाद्वीप या पठारी महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। ये किन तीन रेखाओं की मैं बात कर रही हूं? तो यहां आप देख पा रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। यहां यदि आप देखें तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, और बीच में आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। आप देख पा रहे हैं ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। तो क्या देखा हमने, मैं फिर से यहां पर ऐड कर देती हूँ, अफ्रीका महाद्वीप जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहले नंबर पर आपका एशिया ही है। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना, नील नदी, ये इसी अफ्रीका में विक्टोरिया लेक से निकलती है और अंत में ये मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है, यहां पर आकर के गिर जाती है। एशिया, इसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ आज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ढूंढेंगे भी तो कम से कम। यूरोप को प्रायद्वीपी महाद्वीप कहते हैं क्योंकि तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। कैसे तीन तरफ से घिरा हुआ है, चलिए देख लेते हैं।
ये जो क्षेत्र है ना ये यूरोप का है। कैसे? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, ऊपर में आर्कटिक ओशन है, यहाँ अटलांटिक ओशन, और यहाँ जो मैंने मेडिटेरियन से हाईलाइट किया है, तो तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपी महाद्वीप। अब एक ऑप्शन आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, मुझे बताएंगे अमेरिका को कौन से महाद्वीप की संज्ञा दी गई है? क्या ये नई दुनिया है या पक्षियों का महाद्वीप है? यदि इसे नई दुनिया महाद्वीप कहते हैं तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो थोड़ी एडिशनल जानकारी इसके बारे में लिख सके, कमेंट बॉक्स सबके चेक करूंगी और प्रॉपर सबको आज मैं रिप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है? हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करूंगी, कॉमेंट बॉक्स में एक्सपेक्टेड है। चलिए कुछ रिसर्च सेंटर और उनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं। भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान और वन्य जीव अनुसंधान संस्थान है, दोनों देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, ऊंट अनुसंधान के लिए बीकानेर राजस्थान, भूभौतिकी हैदराबाद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये नागपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में है, मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, और मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। मैंने मतलब कल की जो क्लास हुई थी उसमें पूछा गया था कि नोवाक जोकोविक टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम के खिलाड़ी बने, आंसर इसका था पांचवा। आज का सवाल है भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को एक्सपोर्ट किया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।